विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने सरकार को सोलन का विकास करने में पूरी तरह से विफल बताया है। शांडिल ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि उनके स्वीकृत कार्यों को लटकाया जा रहा है। शांति बाईपास सहित कई ऐसे जनहित के कार्य थे जो सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में पूरे होने चाहिए थे, लेकिन सरकार इस कार्य को करने में रुचि नहीं दिखा रही है। विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि जनहित के कार्यों को लटकाना सरकार के हित में नहीं है। शांति बाईपास के पूर्ण होने से लोगों को जाम की समस्या से निजात मिलती, साथ ही वेंडर मार्केट सहित कई ऐसे कार्य हैं जो कि सही ढंग से नहीं किए जा रहे हैं। विधायक कर्नल धनीराम शांडिल ने सरकार को नसीहत दी कि कार्यों को करवाना ही उनके हित में होगा, वरना जनता का रोष सरकार के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जहाँ तक सरकार का ताल्लुक है, सरकार तकरीबन सभी प्रकार के जो हमें संसाधन देने चाहिए या जो विकासात्मक काम पूरे करने चाहिए उनमें मैं तो कहता हूँ पूरी तरह से विफल रही है। मैं तो हैरान हूँ कि हमने जितनी भी योजनाएं आरंभ की थी उनमें से जो कुछ हम पूरी कर सके वो तो हो चुकी, और जो दूसरी होनी चाहिए थी जो कि बड़े आराम से पूरी हो सकती थी वो भी नहीं हुई। तो मेरा जो खासकर जो मैं प्रेरित रहता हूँ उसी तरफ ही, हम लोगों को हमेशा जो काम रह गया हो उसे पूरा करना चाहिए। अब मैं ए टू जेड भी आप यहीं की जो आसपास की भी देखोगे, 5-7 प्रोजेक्ट तो यहीं पे हैं जो कि सब आपके सामने, वेंडर मार्केट नॉट वेरी वेल डन, नॉट सेटिस्फाइड एट ऑल। उसके बाद जो आपका रास्ता नहीं बना चलने का, ये भी कि उन्होंने कोई इस तरह ध्यान नहीं दिया। हाँ ठीक है कि हमारा चंबा घाट का जो हमने ही आरम्भ किया था वो जो है सर्किट हाउस बन गया, परंतु सैनिक रेस्ट हाउस अभी तक नहीं बना। और मेरा मानना है कि वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि यहाँ भी हमारे बहुत से लोग पूरे डिस्ट्रिक्ट के आना चाहते हैं, डिप्टी डायरेक्टर को बैठना है, और उससे बहुत सी सुविधाएं और अच्छी दी जा सकती हैं, वो उन सब चीज़ों में वो पीछे रहें। सबसे बड़ी बात है कि जो कोरोना काल में भी लोगों को जिस प्रकार से हमें सुविधाएं देनी चाहिए थी, जिस प्रकार से हमें लोगों को देखना चाहिए था, वो नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, आप सब जानते हैं कि हमें कोई करप्ट ऑफिशियल्स को पनिश भी करना पड़ा। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं इसी कारण मैं समझता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो इतना खराब प्रदर्शन आपने उपचुनाव में देखा, उसकी मेन वजह यही हैं। के चैनल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।